जैसे नगर में प्रसिद्ध मंदिर फूलमती कहने के लिए वह स्थान ऐसा है जो ग्राम एवं नगर दोनों में स्थित है। सबसे बड़ी बात कि दोनों में वार्ड नंबर 13 ही लगता है, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी ही रहती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नजर इस ओर जाती ही नहीं है, और तो और उस रोड का निर्माण कार्य महज कुछ समय के लिए होता है, अपनी समय अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही रोड गड्ढों में तब्दील हो जाती है। अगर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को जगाने की आवश्यकता लोगों को पड़ने लगेगी तो देश का क्या होगा। यही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले आम जनमानस द्वारा कई बार ग्राम पंचायत में इस बात का जिक्र किया गया, पर लोगों को आज तक संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पाया। ये समस्या होती है कि जो मंदिर है ना वो प्राचीन है, इसमें आने जाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरा गिट्टी है, रेता है, कुछ भी है, ये रोड तो किसी भी तरह से सही नहीं है। कितने वर्षों से ये रोड का निर्माण नहीं हुआ? अरे कम से कम अभी 3 साल से लगातार इस पे कोई निर्माण नहीं हुआ, सब दिन ऐसे ही रहा। आप लोगों ने कहीं इसकी शिकायत भी किया? नहीं, हम लोगों ने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत में बताया भी था कई बार, लेकिन वो लोग उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत में किसको? सरपंच को बताया? सरपंच को बताया। तो ये रोड तो दो पार्ट में है, एक आधा नगर परिषद में भी आता है, आधा इधर ग्राम पंचायत में। दोनों पार्ट्स में आते हैं, लेकिन आई क्या दोनों ध्यान नहीं देते इसके। यहाँ पे कौन सी देवी प्रसिद्ध है? ये फूलमती मंदिर है जो बहुत प्राचीन से प्रसिद्ध है। यहाँ आना जाना हमेशा नवरात्रि में एनी टाइम बना ही रहता है इसका आना। यहाँ पे पूरी बस्ती बसी हुई है। ये रोड से क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये रोड से आने जाने के लिए सबसे समस्या है कि गिट्टी है, यहाँ पूरा उखड़ गया है। ये रोड गड्ढे भी हैं, पूरा उखड़ गया है, गड्ढे हैं, सब कुछ है इसमें। किसी प्रकार से प्रशासनिक सहायता नहीं मिल पा रही? कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप लोग और कहाँ शिकायत की इसकी? इसकी शिकायत बस हो गया, सरपंच से बोलते हैं तो हो गया, सरपंच बोलता है कि बजट आ जाए तो बनवाएंगे, और जब भी बनवाते हैं तो बस बहुत नहीं 2-4 महीने चलता नहीं, फिर इसके बाद फिर उसी तरह हो जाता है। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।